भाभी आपको गन चलाना आता है ना, हमको गोली कैसे चलाते सिखाइए ना, बताइए ना। देवर जी ये खिलौना नहीं है, ये आप हमें दे दीजिए ना। अच्छा आपको इसे चलाना सीखना है ना, हम सिखाएंगे इसे कैसे चलाते हैं, लेकिन आप हमें दीजिए ना अभी। हमें बकलोल समझती हो क्या भाभी, हम जानते हैं ये खिलौने वाला गन है, हम पहले जैसे भी इशू नहीं रहे, हम ना बहुत ही समझदार हो गए हैं, और हमको ना गोली चलाना भी आता है, दिखाएगा चला के? नहीं। अरे अरे इससे लोगों का जान जा सकता है ना, आप देवर जी आप हमें दीजिए ना। ही ये खिलौना वाला गन से किसी का भी जान नहीं जाता, इतना भी नहीं जानती का आप। देवर जी दीजिए ना ही। नहीं, अरे वो दो चुटिया वाली दुलारी दीदी, हम ना आपको गोली मारेंगे, आप झूठ मूठ कर मर जाइएगा। अरे नहीं देवर जी, अब बीसु बाबू चोर पुलिस वाला खेल है ना, तो हमको भी बचपन से बहुत पसंद है, अब ठीक है तो आप मारिए गोली, हम मर जाएंगे। टीनी टीनी टीनी। अब कैसे रोके इस बिसु को? क्या हो? आए बाप हम तो मर गए। अरे देवर जी ये खेला मत खेलिए आप यहाँ, हम कोई और खेला खेलते हैं, हम भी खेलेंगे आपके साथ। हाँ नहीं हम नहीं देंगे। सृष्टि जी, सृष्टि जी हम दुलारी दीदी को गोली मार दिया, अब आपकी बारी है, ठीक है? आज हमारे हाथों से कोई नहीं बचेगा। का करे, देवर जी को रोके कि ना रोके? अरे ओ देवर जी ये नकली नहीं असली बंदूक है। हम बगलोल नहीं है। अब एक मिनट इसको नीचे रखिए। ये तुम्हारी गन है ना, ये विशु के पास कैसे आई? आज तुम्हारी वजह से इस घर में किसी की जान चली जाती है। तुम क्या चाहती हो हाँ, कि इस घर में सब तुम्हारी तरह जानवर बन जाए और एक दूसरे का खून निकाले, क्या चाहती हो बोलो? अरे अनुराग बबुआ काहे ही बेचारी को बिना मतलब में डांट रहे हो है? अब एको तो इतना बड़ा अनहोनी होने से ही बचाई है, नहीं तो आज तो छोटकी भौजी चल जाती। हाँ अब बीसु बाबू से ना पूछो कि कहाँ से आया बंदूक उनके पास। ये रखा हुआ था हमने खिलौने के साथ, ये तो खिलौने वाला गन है ना, इसे तो नकली गोली चलता है ना। ये नकली गन नहीं फॉर गॉड सेक विशु, आज तुम किसी की जान देने वाले थे, तुम पागल हो गए हो क्या?